प्लीज गिव मी एनी मेडिसिन। देखिए, जैसे आप पेनिस की साइज़ की बात कर रहे हैं, तो हम जनरली यही कहते हैं कि जो साइज़ है वो ऑर्गन का इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। और मोस्ट ऑफ़ द इंक्वायरीज जो हैं, एवरी सेकंड पर्सन जो है हमारे पास भी जो क्लिनिक में आते हैं, तो ही इज़ कंसर्न अबाउट देयर ऑर्गन साइज़। जी तो जनरली हम उसमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और इसको बढ़ाने की मोस्ट ऑफ़ द केसेस में सिर्फ एक ओवर एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आइदर वो किसी बॉन्ड्स मूवी में वॉच करते हैं, जहाँ अपने फ्रेंड सर्कल में ड्यूरिंग यूरिनेशन जो है वो साइज़ को कंपेयर करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी चीज़ को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, तो न एक चीज़ उसमें जो है उसकी वैल्यू कम होगी और दूसरे की जो है चीज़ की ज्यादा जो होगी। है इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। जी तो अपने आप को अगर आप कंपेरिजन कर रहे हैं, तो जैसे हम कहते हैं दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा जो है बड़ा लगता है, तो इस तरह से हमेशा सेकंड पर्सन जो है, अगर आप अपने देखने का उसका आपका एंगल भी है, अगर आप उनको सामने से अगर ऑर्गन्स को किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो उसका साइज़ जो है उनको बिगर लगेगा। अगर वही चीज़ जो है अगर आप अपने आप में देख रहे हैं, तो नेचुरली आपको साइज़ जो है वो उसका कम लगता है। जी तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप डिफरेंट एंगल्स में मिरर के आगे खड़े होकर अगर कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसको कंपेयर करें, तो डेफिनेटली उनको जो है उनमें जो है साइज़ उनको बेटर लगेगा। और जनरली इसमें साइज़ को बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर हम पार्टनर फीमेल पार्टनर की बात करते हैं, तो उनकी जो वजाइना का आउटर 1/3 पार्ट होता है, अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 2 to 3 inches जो है पार्ट ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जी और जितना हम डीपर्स वजाइना में देखते हैं, तो उसमें नर्व्स एंडिंग जो है वो बहुत ही कम होती है। अगर बिल्कुल हम सर्विक्स के पास अगर उनको देखे हैं, तो वहाँ पर नर्व एंडिंग्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। तो इसमें अगर आप 3-4 inches नॉर्मली पेनिस है, तो आप एक सेटिस्फैक्ट्री जो है रिलेशन आप जो है बना सकते हैं। जी बिल्कुल और दूसरी इन्होंने बात की है इनकी जो है इजैकुलेशन की, जो जी कि इनकी जल्दी इजैकुलेशन हो जी जाती है, जिसकी हम प्री मेच्योर इजैकुलेशन, अर्ली ऑर्गेजम, रैपिड इजैकुलेशन बहुत के नामों से इसको हम जानते हैं। तो इसमें बहुत से इसके फैक्टर हो सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर इसमें देखा जाता है लैक ऑफ एजुकेशन। जी अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि अगर उनको पर्सन को एक अच्छी सेक्सुअल नॉलेज दी जाए, अगर उनकी नॉलेज अच्छी है, तो उसमें उसको उनको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसके कुछ साइकोलॉजिकल का कॉज भी हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, जी रेपिटिशंस हो रही हैं, अगर आप बहुत लंबे टाइम के बाद रिलेशन बना रहे हैं, तो उसमें जो है फर्स्ट टाइम इजैकुलेशन होने के चांसेस जो है जल्दी होने के चांसेस जो है रहते हैं। जी तो वो आदमी अपना कॉन्फिडेंस लूज उसमें लगता है, उनको लगता है कि अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, जो उनमें कोई कमी है। तो बार बार रेपिटिशंस होने के कारण वो एक उनकी हैबिचुअल हो जाते हैं, वो उसके एक बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के रूप में वो आ जाते हैं। इसका स्ट्रेस है, एनजाइटी है, अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इसमें सिम्पथेटिक सिस्टम उनका जो है स्टिमुलेट हो जाता है। जैसे हम एक छोटे बच्चे को देखें कि अगर उनको ज़ोर से डांट दिया जाए, या जी उनको उनको मार दिया जाए, तो वो जो है यूरिन कर देते हैं। जी तो इस उसका कारण है कि उनका डर के कारण सिम्पथेटिक सिस्टम जो है स्टिमुलेट हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके अंदर कोई डर की भावना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपका प्रॉपर नहीं है, बहुत एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो सिम्पथेटिक नर्वस जो है एक्टिवेट होने के कारण जल्दी डिस्चार्ज होता है। और इसके कुछ जैसे कुछ लोगों में एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, कि कुछ समय तक तो वो ठीक होते हैं, पर उनको बाद में प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। जी उसके कुछ मेडिकल कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे प्रोस्टेट की इन्फेक्शन हैं, ब्लड शुगर है, तो कुछ अगर थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके कारण भी इनको इजैकुलेशन जो है वो जल्दी हो सकती है। जी और इसके इलाज के लिए कुछ मेडिसिंस हैं, जो इन्होंने कहा भी मेडिसिंस जी हमें बिल्कुल बताएं, तो इस मीडिया के ज़रिए तो हम आपको वो मेडिसिंस ऐसे नहीं बता सकते। आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट से या किसी सेक्स थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, उनके बारे में वो जान सकते हैं। और इसके साथ साथ में कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जिसको हम जैसे सिनेट फोकस कहते हैं, उसमें एक जी सीरीज़ ऑफ एक्सरसाइज होती हैं, जो कि आप अपने किसी सेक्स थेरेपिस्ट से मिलकर उसके बारे में जान सकते हैं, जो अपने पार्टनर के साथ अपने प्राइवेसी में आप डिस्कस जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छे जो है इजैकुलेशन कंट्रोल जो है आप उसमें सीख सकते हैं। जी बिल्कुल।